Good morning, students. Now, subject English. Lesson number 7. The Tuntun Town Musician. Okay. अगले वीडियो में हमने पार्ट 2 एक्सप्लेन किया था. Today we will explain activity 5. Open your textbook, page number 63, activity 5. Answer the following questions. Why did the master throw their animals out? यहाँ पे एक्टिविटी 5 में क्या है? क्वेश्चन आंसर्स है जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी उसमें मैं आपको नोटबुक में लिखवा दूंगी. ठीक है? Now open your next page. Activity 6. Read the story again and find out how many times the following words occur. आपको स्टोरी रीड करनी है. इन यहाँ पे हमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ओल्ड, थ्रोन, टुगेदर एंड मास्टर. स्टोरी रीड करके हमें ये लिखना है कि दिस वर्ड्स यूज फॉर द स्टोरी फॉर हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि स्टोरी में इन वर्ड्स का कितनी बार यूज होता है. जैसे कि ओल्ड, तो ओल्ड का कितनी बार हुआ था? तो कि 13 टाइम्स. आप इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख सकते हो. ओके, ओल्ड का कितनी टाइम हुआ था? 13 टाइम्स. टुगेदर 5 टाइम्स. थ्रोन 4 टाइम्स. एंड मास्टर 3 टाइम्स. ओके, यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ एक्टिविटी 7. वर्क इन पेयर्स, रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. सेंटेंस हमें कंप्लीट करने हैं. जैसे कि द डोंकी हैड वर्कड ब्लैंक्स फॉर द फार्मर. फॉर ब्लैंक्स, डोंकी क्या कर रहा था? तो द डोंकी हैड वर्कड वेरी हार्ड. वो वेरी हार्ड वर्क कर रहा था ना डोंकी. फॉर मेनी ईयर्स, वो बहुत साल से वर्क हार्ड कर रहा था ना. नेक्स्ट, द डॉग लाइक द आइडिया टू गोइंग टू टुनटुन टाउन एंड बिकम अ म्यूजिशियन. दे इंटरेट ए फॉरेस्ट एंड सडनली सो अ हाउस एंड सो दे रिमाइंड इन द हाउस एंड ऑफ्टन सेंग टूगेदर. वो सभी एक साथ सभी गा रहे थे ना, जा रहे थे तब, उसी तरह से. ओके, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, नाउ एक्टिविटी 8. ड्रॉ योर फेवरेट एनिमल एंड कलर इट. ये सिर्फ समझने के लिए आपको करना नहीं है. ओके, नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65. जैसे यहाँ भी है, नाउ राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट एनिमल. वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी यहाँ पे इसके 5 सेंटेंसेस लिख सकते हो. ओके, कंपलसरी नहीं है, मैं तो बोल सिर्फ समझाने के लिए है. एक्टिविटी 9. राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट पर्सन एंड हाउ दे ट्रीट यू. आपको कोई ऐसे पर्सन्स के बारे में लिखना है, लिखना नहीं है, सिर्फ आप समझ सकते हो. ओके, कोई ऐसे अपने एल्डरेड पर्सन्स के बारे में यहाँ पे लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे आप कोई एल्डरेड पर्सन्स के बारे में आप लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है. ओके, नाउ दिस लेसन एक्सप्लेनेशन इज ओवर. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लेसन की एक्सरसाइज लिखवाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.